चलिए जी, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको जन सेवा केंद्र जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको ई डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सिर्फ आय प्रमाण पत्र ही नहीं, इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट एंड हैसियत प्रमाण पत्र, इसके साथ दोस्तों और भी सर्विस भी मिलेंगी। और ये आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का किसी का भी बना सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ दोस्तों टाइप करेंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही बनाइए ई डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे दोस्तों हम टाइप करेंगे, जैसे दोस्तों हम इस डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, देखिए यहाँ बहुत कीवर्ड लिखे आ गए, ई डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट इन ई डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट होम पेज हिंदी में लिख के आ गया। तो आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे हम इस डिस्ट्रिक्ट पे ओके करेंगे दोस्तों, वैसे एक नया पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। देखिए हम ई डिस्ट्रिक्ट होम पेज पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा हम जूम करते हैं, आपको दिखा देते हैं ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिंग। अगर जिनके पास CSC है वो लोग यहाँ से लॉगिंग कर सकते हैं, और जिनके पास दोस्तों CSC नहीं है, हम उनकी बात करते हैं स्वयं। तो यहाँ पे देखिए सिटीजन लॉगिंग, और इसके ब्रैकेट में लिखा है ई साथी। तो यहीं से हम दोस्तों अपनी ID क्रिएट करेंगे। थोड़ा इसको दोस्तों जूम करते हैं और यहाँ पे ई साथी पे हम ऐसे क्लिक करेंगे। नए पेज पे हम दोस्तों आ चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ई साथी में आपका स्वागत है, साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए साइड में लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। यहीं से आप दोस्तों अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। और इसके नीचे देखिए लिख पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिंग। अगर आपकी ID बनी है, जिन लोग ID बना चुके हैं वो लोग यहाँ से लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको नई एक ID बनाकर दिखाना है तो हम दोस्तों यहीं पे क्लिक करेंगे, नवीन उपयोगकर्ता ऐसे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने जैसे क्लिक किया, एक न्यू पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु ID क्रिएट करने के लिए पेज खुल चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ई डिस्ट्रिक्ट है और मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से अपने आप मोबाइल के थ्रू ही आयजात निवास ये सब बना सकते हैं। इसमें हम बता देते हैं राशन कार्ड की सर्विस नहीं दी जाती है, बाकी अदर सर्विस दी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आप देख लीजिए नीचे लिखा लॉगिंग ID है ना, 6 से 8 से हम आपको बता रहे हैं, यानी कुछ इंग्लिश के और कुछ हिंदी के मिक्स होना चाहिए अक्षर। तो यहाँ पे हम दोस्तों आपको बता रहे हैं, जैसे इस तरह हमने डाल दिया ARSH, देखिए हमने 4 अक्षर डाल दिया इंग्लिश के। अब यहाँ इसके पीछे आप लगा दीजिए गणित में कुछ भी, आप अपना मोबाइल का लास्ट अंक 4 लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए। जैसे हमने लगा दिया 98 38, ये जी इस तरह आप अपनी ID बना लीजिएगा, यानी 4 अक्षर ये और 4 अक्षर वो, या 6 अक्षर ये या 2 अक्षर गणित के, बोला ऐसे बन जाएगी। और देखिए दोस्तों नीचे हम आते हैं, लिखा है आवेदक का नाम, आवेदक का नाम। यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, आवेदक का नाम यहाँ पे हम कुछ और नहीं फिट करेंगे। ID किसी नाम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आवेदक का नाम जो बना रहा है वही अपने मम्मी पापा किसी के नाम बना सकते हैं, लेकिन उनका आधार लगेगा। तो आवेदक का नाम, तो अपना आवरण अपनी ID बना रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे फिट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों अपना नाम फिट कर दिए, हाँ। और फिर दोस्तों डीमो के लिए आपके लिए बता रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है जन्म तीर्थ, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके आधार पे जन्म तीर्थ है वही डालिएगा, जैसे नाम है वैसे जन्म तीर्थ दोस्तों यहाँ पे अपनी DOB डाल दीजिएगा, जो भी है आपकी, ठीक हम ऐसे बता रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे डाल दीजिएगा लिंक, यानी आप महिला हैं या पुरुष हैं, क्या हैं। तो यहाँ पे
चुन लीजिएगा महिला है या पुरुष है, तो हम पुरुष चुन लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फिर ध्यान देने की बात है, आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ पे आएगा, वरना आप कहेंगे ये हम नहीं बना पाएंगे। हाँ यहाँ पे लिखा है आवासीय पता, हाँ आपका मेन एड्रेस क्या है, जैसे आप ग्रामीण में रहते हैं या शहरी में रहते हैं। तो आप ग्रामीण में रहते हैं तो विलेज व पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो हो आपका हो वो डाल दीजिएगा, ये हुआ ग्रामीण। अगर आप शहरी में रहते हैं, किस मोहल्ले में किस नगर में आप रहते हैं, वो सब डाल दीजिएगा ठीक यहाँ पे। और फिर इसके नीचे दोस्तों आते हैं जहाँ पे लिखा है पिन कोड, तो यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज कर दीजिए, जो आपका पिन कोड हो वो आप दर्ज कर दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं जिला, यहाँ पे अपना जिला दोस्तों चुन लीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है कृपया सेवा प्राप्त करने हेतु जिले का चयन करें, तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो जिस जिले से आप आते हैं वो अपना जिला क्लिक कर लीजिएगा। और एक चीज़ हम बता देते हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपी के लिए है। यहाँ पे अगर आप हम चुन लेते हैं जैसे सीतापुर चुन लेते हैं ठीक। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम वही डालेंगे जो आपके पास मोबाइल हो। मोबाइल फिल कर देते हैं, फिर दोस्तों नीचे आते हैं यहाँ पे देखते हैं मेल आईडी, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी फिट कर दिया। अब दोस्तों बारी आती है सुरक्षा कोड, यहाँ पे हम अपना सुरक्षा कोड यानी जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा हम फिल कर लेते हैं, जैसे दिया हुआ है छोटी में या बड़ी में वैसे हमसे फिल कर है तो हम कैपिटल में ही फिल करेंगे। हाँ ये दोस्तों हमने फिल कर लिया। अब एक बार दोस्तों नीचे आकर हम इसे हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई चीज़ गलत तो नहीं है। देखिए हमने आईडी के बारे में बता दिया, इंग्लिश और मैथ में अच्छा रहेंगे मिक्सर। और नीचे आएंगे अपना आवेदक का नाम डालेंगे और फिर आएंगे अपनी जन्म तिथि डालेंगे, इसके बाद दोस्तों आएंगे महिला है या पुरुष चुनेंगे, आवासीय पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे जो आपका हो, विलेज ये सब कुछ ठीक। और इसके बाद अपना पिन कोड चुनेंगे, फिर सीतापुर, फिर अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी अपनी डाल देंगे और फिर सुरक्षा कोड डाल देंगे, फिर नीचे लिखा हुआ है सुरक्षित करें। जैसे आप सुरक्षित करेंगे वैसे आप आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा दोस्तों, वो मैसेज फिर से डालेंगे ठीक है, वैसे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये वीडियो में हम आपको ये बताएंगे इसमें कैसे फार्म भरे जाते हैं, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट में हम अपने जनसेवा केंद्र में भरते हैं उसी तरह बिल्कुल इसमें सेम टू सेम भरे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही सब डाटा उसी तरह सब पेज खुल के आता है। अपनी आईडी सेव कर लीजिए और कहीं पर लिख के रख लीजिए क्योंकि इसी नाम से आपकी आईडी खुलेगी।